Hello students, today's topic is diffusion. The first how the molecules cross the cell membrane. Second is diffusion and third one is active transport. First, you know that the plasma membrane, it is a semi-permeable membrane. That is, means it's a partial permeable membrane. Means it allows some substance and not to other. Means it is a semi-permeable. ये कुछ ही substance को अपने अंदर allow करती है, कुछ को रोक देती है. Means सब सब्सटेंस आर एबल टू मूव इन साइड द सेल मेम्ब्रेन एंड सम आर नॉट. और इट्स ए सॉल्यूट पार्टिकल. दिस सॉल्यूट पार्टिकल वॉन्ट टू एंटर इन टू द सेल मेम्ब्रेन. मीन्स इट्स ए सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन मीन्स इट्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन. ये जो है इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इट्स ए सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो एक फॉस्फोलिपिड वाई लेयर से बनी होती है, ये कुछ पार्टिकल्स को एंटर अलाउ करती है, एंटर इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड सम आर नॉट एंटर इनसाइड द मेम्ब्रेन. दिस आर द सॉल्यूट पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल, दिस आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. इन सिंपल डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स दे शो द मूवमेंट ऑफ molecules means solute from higher concentration to the lower concentration against the concentration gradient. Means concentration gradient का मतलब क्या है, जहां पे एक तरफ concentration ज्यादा होनी चाहिए, एक तरफ less concentration होनी चाहिए, तभी ये molecules जो है higher concentration से lower concentration की तरफ move करते हैं. Some molecules जो होते हैं वो direct इस cell membrane या plasma membrane से enter नहीं कर पाते. They require some carrier molecules. These are कैरियर मॉलिक्यूल्स. दिस कैरियर मॉलिक्यूल्स ये क्या काम करते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं. तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट दे बाइंड टू द कैरियर मॉलिक्यूल्स. दीज आर द कैरियर मॉलिक्यूल्स. ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ेंगे, देन दे एंटर इन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Means diffusion are of two types. One is simple diffusion, when there is no carrier molecule required for the movement of solute from higher concentration to lower concentration. They freely move from higher concentration to lower concentration. But when they require some carrier molecules for the entry of molecule to the plasma membrane, then this type of diffusion is known as facilitated diffusion. And this all this simple and facilitated diffusion is known as passive transport. Passive का मतलब है no energy is required. वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं परफ्यूम रखा हुआ है रूम में, तो वो फ्रीली मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है. ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है. इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट, उनको मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होती है, और वो लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मूव कर जाते हैं. जैसे आपको डिफ्यूजन का पता ही है, मूवमेंट जो हो रही है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ये यहाँ पे बाहर जो है लो कंसेंट्रेशन में, ये भी मूव करेंगे अंदर. मीन्स मूवमेंट जब लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ हो रही हो, देन हमें उसको मूवमेंट, उस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर चाहिए. हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायर होती है. जो रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो इस मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसके बारे में आगे भी बताऊंगा. अब जो मेम्ब्रेन जो होती है, जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो कैसे है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप याद रखिएगा, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फ्रॉम हायर लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन. आपको यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. इट इज नॉट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन की तरफ मूव कर जाएगा. जहां पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, मान लो मॉलिक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन के बाहर लो कंसेंट्रेशन में है. कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स अगर यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन में है तो मूवमेंट जो है वो इनसाइड से आउटसाइड होनी चाहिए, मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ आने चाहिए. पर अब मॉलिक्यूल जो है वो यहां से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मतलब
यहाँ पे कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है, फिर भी मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. दिस इज नोन एज बिकॉज वो मूवमेंट कैसे हो रही है, दे रिक्वायर एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर होती है तभी ये मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर पाते हैं. मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. इसके साथ ही पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है. मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. व्हेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस मूवमेंट रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन जहां भी होगी, अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में होंगे तो ये मूवमेंट यहाँ से इस तरफ होगी. इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक तरफ जो है हाई कंसंट्रेशन, एक तरफ लो कंसंट्रेशन है. तो मूवमेंट अगर ऐसा होगा तभी मूवमेंट जो होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी. पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेजर डिफरेंस क्या है, एनर्जी रिक्वायर होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. अब ये है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है, इट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब आपको कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में पता है. अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है. देखिए यहाँ पे ये सॉलिड पार्टिकल है, या मींस हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, ये मूवमेंट यहाँ से इस तरफ होगी. मींस मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आगे, और ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक एक इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए. इक्विलिब्रियम का मतलब है जब बोथ साइड जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इक्वल होगी, देन दिस इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम या सैचुरेशन पॉइंट. नेक्स्ट इज यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लेस है, तो मूवमेंट यहाँ से इस तरफ हो रही है. और ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब सॉलिड पार्टिकल की कंसंट्रेशन यहाँ भी इक्वल है और इस तरफ भी इक्वल है, देन डिफ्यूजन स्टॉप हो गया. इस कंडीशन पे डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा. अब डिफ्यूजन, अगर हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ रिक्वायर है, हमें रिक्वायरमेंट कहाँ है डिफ्यूजन की, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है. फर्स्ट इन गैसेस एक्सचेंज, आपने देखा होगा प्लांट जो होते हैं दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस फूड. बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो रही है प्लांट में, और ऑक्सीजन वो डिफ्यूज आउट कर रहे हैं. दे रिक्वायर डिफ्यूजन, मीन्स जो ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज करेंगे, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा कम है और अंदर ज्यादा है. तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, सेम जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होगा. यहाँ पे आपने देखा होगा इट्स एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन. अब सेकेंड है एग्जाम्पल है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे इल्यूट हो रहा है, बाहर रिमूव कर रही है बॉडी. वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द टिश्यू, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको पता ही है सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसे कैसे रिमूव कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. मान लीजिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन ब्लड ब्लड में डिफ्यूज होगी, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर डिफ्यूज हो जाएगी. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. अब आपको पता है जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. अब जो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में कैसे डिफ्यूज होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. ब्लड के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में कम है,
तो आपको पता है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब सेकंड जो है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर है जो डिफ्यूजन को की रेट पे इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका रेट ऑफ हो जाएगा. सेकंड साइज ऑफ पार्टिकल, मींस अगर साइज ज्यादा है मींस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन. अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगी, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगी. थिकनेस ऑफ द बैरियर, ये क्या है कि अगर जितनी ज्यादा थिक होगी, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई सेल मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा थिक होगी उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा. मींस इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर होता है सिंपल डिफ्यूजन के लिए. टोटल सरफेस एरिया, अगर सेल मेम्ब्रेन ज्यादा सरफेस एरिया अगर हमें मिलेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं कि जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है, हमें जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तब भी तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो वो कैसे मूव कर रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट्स अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स और आयंस थ्रू इट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे. दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दे डू नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दे रिक्वायर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दे रिक्वायर एनर्जी नॉट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब इस डायग्राम से आप देखिए, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये कुछ पार्टिकल्स को अंदर अलाउ कर रही है एंटर करने के लिए और कुछ को नहीं अलाउ कर रही है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम पोटासियम एक्सचेंज बता रखा है. अब आपको पता है अगर सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो डिफ्यूज होगा सेल मेम्ब्रेन अंदर इनसाइड द साइटोसोल, साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेगा. अब क्या है यहाँ पे हमारी सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से मूवमेंट यहाँ से इस तरफ होनी चाहिए. सेम यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, इस तरफ ज्यादा है, तो मूवमेंट इस तरफ होनी चाहिए. बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें एनर्जी की रिक्वायर है, तो मूवमेंट जो है वो सोडियम की फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है. और सेम सोडियम यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में सोडियम, देन द मूवमेंट ऑफ पोटासियम फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये कैसे हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. यहाँ लिखा हुआ सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इस तरफ जो है इन साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म है आपका इन साइड द सेल जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन लेस है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और यहाँ पे जो पोटासियम है उसकी कंसंट्रेशन साइटोसोल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. फिर भी मूवमेंट क्या है, अगर सिंपल डिफ्यूजन होगा तो मूवमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ये सोडियम जो है यहां से इस तरफ डिफ्यूज होगा. सेम जो पोटासियम है वो यहां से यहां डिफ्यूज होगा. इट्स अ सिंपल डिफ्यूजन. बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर. अब ये जो पोटासियम है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, और सेम यहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है. दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और अगर ये कैरियर मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे फॉर द मूवमेंट, अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूल फिर भी एंटर नहीं कर पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सम कैरियर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, देन दिस टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसी के साथ आज का जो लेक्चर है डिफ्यूजन का वो एंड होता है. थैंक यू